Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णो निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने साइट में हमको लेबर को कैसे मैनेज करना है। जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे, लेबर लोग आते हैं साइट में, कोई पूरा दिन काम करता है, कोई दुगना काम करता है, कोई आधा दिन ही काम करके चला जाता है। अब मान लीजिए ऐसे ही 100-150 लेबर हैं आपके साइट में, या 50 लेबर हैं, या 30 लेबर हैं। अब इनकी अटेंडेंस को आपको मैनेज करना है, उसके हिसाब से आपको पैसा देना है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा इनको सिंपल तरीके से हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एक्सेल शीट है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो बिल्कुल आपके पास एक लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। पहले बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर लैपटॉप नहीं है तो फिर आपको ये चीज़ करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन लैपटॉप से बहुत आसानी होगी। तो ये चीज़ लैपटॉप में ही आप कर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एक्सेल शीट आप खोल लीजिए और उसमें इस टाइप से एक फॉर्मेट बना लीजिए। जैसे कि यह मैं अपना सिविल गुरुजी की तरफ से कर रहा हूँ, ये लेबर सप्लाई, कितना हमें लेबर देना है, कितना हमारे लेबर आ रहे हैं साइट में, उसके लिए यह नाम लिखा गया है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, फिर इसके यहाँ पे PRW नेम लिख सकते हैं, फिर नेम ऑफ वर्कर। यहाँ पे इस लाइन में क्या आएंगे, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे आपके जितने वर्कर आपके साइट में काम करेंगे, मान लीजिए 20 लेबर हैं तो 20 लेबर के यहाँ पे आपके नाम आएंगे, ठीक है। उनकी कैटेगरी कैसी है, कोई कुली होगा, कोई मिस्त्री होगा, कोई विष्टी होगा, अलग अलग टाइप से इनकी कैटेगरी होगी। फिर यहाँ नंबर आएंगे, क्योंकि महीने में हमारे कितने दिन होते हैं, मैक्स टू मैक्स 31 दिन होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं 31 तक मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया, क्योंकि 31 दिन की अटेंडेंस हमको लगाना है, ये अटेंडेंस कर रहे हैं हम लोग लेबर की। तो फिर यहाँ पे हमें टोटल डेज निकल के आ जाएंगे कि हाँ, इस लेबर ने कितना काम किया, कितना नहीं काम किया, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं, पहले दिन जो है एक लेबर हमारा साइट में है रमेश नाम का, और उसने पहले दिन आके पूरा एक दिन काम किया तो उसका यहाँ पे पी लिखा है। दूसरे दिन भी उसने पूरा दिन काम किया, उसका पी लिखा है, लेकिन तीसरे दिन उसने आधा काम किया, P/2 लिखा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आधा काम किया। लेकिन चौथे दिन उसने क्या किया, उस काम को दुगना किया। कभी कभी होता नहीं कि डबल शिफ्ट में काम चलता है, तो उसने उस दिन पूरा दो बार काम किया दोनों शिफ्ट में। फिर छठवें दिन आप उसने बस नॉर्मल एक दिन का काम किया, सातवें दिन उसने डेढ़ गुना काम किया। तो डेढ़ गुना कैसे काम किया, मतलब पूरा दिन का काम किया, फिर अगले मतलब शिफ्ट का आधा काम किया। तो इसके हिसाब से तो हमको उनको लेबर का पैसा देना पड़ेगा। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो उसको एक फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसी प्रकार आप पर डे का पर डे वाइज लिख सकते हैं कि हाँ, रमेश ने आज डेढ़ दिन काम किया, एक दिन काम किया, डबल शिफ्ट काम किया, सिंगल शिफ्ट काम किया, या आधा दिन काम करके चला गया। पूरा आप यहाँ 31 दिन तक पर डे के हिसाब से आप उनका भरते जाइए, और लास्ट में यहाँ दिन उसके ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इसी प्रकार से आप उनके सबके दिन यहाँ पे कैलकुलेट करते चले जाएं। उस लेबर का जितना, जैसे मान लीजिए लेबर है या कुली है, जिसका जितना रेट होता है, या मिस्त्री है, जिसका जितना रेट है, यहाँ पे रेट लिख के यहाँ अमाउंट उसका निकाल लीजिए कि हाँ भैया, हमको इसको इतना पैसा देना है। तो हम देखते हैं कि चलिए दोस्तों, कि कैसे हमको टोटल डेज पता चलेंगे कि उस लेबर ने भले आधा दिन पूरा दिन काम करते हुए टोटल कैसे कितने दिन उसने काम किया है। तो यहाँ पे मैं अब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आप फॉर्मूला लगाने से पहले एक्सेल शीट जैसे आप चलाई होंगे, ज्यादातर लोग नहीं चलाए तो आप देख लीजिए इसमें कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हमें इक्वल टू लगाना होता है। तो इक्वल टू जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब यहाँ पे स्क्रीन में देखते रहें। ये स्क्रीन में भी पूरा बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, काउंट इफ का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, COUNT काउंट IF इफ करके। ये काउंट इफ का मेरा फॉर्मूला लग गया। फिर मैंने क्या किया, इसमें ब्रैकेट हमेशा हमें लगाना पड़ता है, और रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है। रेंज मतलब आपने कहाँ से कहाँ तक लेबर का अटेंडेंस निकालना है। मान लीजिए 10 दिन का निकालना होता तो मैं यहाँ से तक सिलेक्ट कर लेता, लेकिन मेरे को 31 दिन का चाहिए तो मैं पूरा रेंज सिलेक्ट करूंगा। तो पूरा रेंज सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 31 तक सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऐसे यहाँ पे आ जाएगा जो है C6 से AG6 तक का। तो मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट कर दिया। अब रेंज सिलेक्ट करने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको कि फॉर्मूला लगाना है कि हमारा लेबर अगर कभी कभी यहाँ पे आ जाएगा दुगना या एक गुना या जैसे भी आएगा, तो पूरा इसका जो है अटेंडेंस ऑटोमेटिक काउंट होता जाएगा। तो मैंने रेंज सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगाया। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हमें सबसे पहले किसके लिए निकालना है, अगर वो पूरा एक दिहाड़ी काम कर रहा है या पूरा एक दिन काम कर रहा है, उसके लिए एक शिफ्ट में पूरा अगर वो काम कर रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, पी लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जब भी आप लगाएं उसको बंद भी करें। फिर मैंने क्या किया, ब्रैकेट लगाया,
ठीक है, इतना करने के बाद फिर मैं वही चीज करूंगा, प्लस करूंगा, काउंट इफ करूंगा, CONT काउंट इफ, उसके बाद मैं फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से मुझे रेंज सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, लेफ्ट की दबाते हुए राइट को ले जाइए माउस को, ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया, फिर कामा लगा दिए। फिर अब दूसरे दिन हमारा लेबर या तो पूरा दिन काम करेगा या तो आधा दिन काम करेगा। आधा दिन काम करने के लिए हमें क्या करना है कि P/2 लिखना है इसमें, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर P/2, फिर डबल इन्वर्टेड कामा हमें बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद हमें फिर अपना ये ब्रैकेट बंद कर देना है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देखिए ये तो पूरा दिन काम करेगा या तो आधा दिन काम करेगा, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमने प्लस किया, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का दोस्तों, और काउंट इफ के बाद अब हमने कहा हमें कितना काम कराना है, अगर वो डेढ़ गुना काम करिए, मतलब पूरा शिफ्ट एक शिफ्ट काम कर रहा है, दूसरे शिफ्ट का वो आधा काम कर रहा है वो लेबर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट काउंट इफ के फॉर्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट लगाना है, फिर से हमें रेंज सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि कुछ भी अगर आएगा तो हम वहाँ पे ये चीज सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे लेबर का अगर कुछ भी कर रहा है, चाहे पहले दिन ही वो आधा दिन काम किए, तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट होके आता रहेगा। फिर हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही हमने इसको यहाँ तक सिलेक्ट किया, फिर हमने कामा लगाया, इसमें क्या लिखे, P/2 डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर P/2, अब इसमें या तो पूरा दिन का काम हो गया प्लस आधा दिन का काम और हो गया, P/1/2, 1/2। फिर हमने डबल इन्वर्टेड कामा को बंद कर दिया, फिर हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, पूरा एक दिन ये पी का हो गया और डेढ़ दिन इसका हो गया, आधा दिन उसका हो गया, तो डेढ़ से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस कर दिए हम लोग। फिर प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर काउंट इफ का हमने फार्मूला लगाया, काउंट इफ का जैसे ही फार्मूला लगेगा फिर हमें ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा, फिर सेम वही प्रोसेस है, फिर अपना अपना रेंज सेलेक्ट करिए, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा रेंज पूरा सेलेक्ट हो गया कि हमें 31 दिन तक का चाहिए। फिर या तो अब हमारा लेबर पहले शिफ्ट में भी पूरा काम किया, दूसरे शिफ्ट में भी पूरा काम किया, मतलब पूरा एक शिफ्ट में, एक दिन में दो शिफ्ट में काम किया, मतलब दोगुना काम किया, तो यहाँ पे ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी था 2P आ रहा है, तो यहाँ पे दोगुना यहाँ पे उसकी अटेंडेंस थी 2 × ये पी। फिर हमने क्या किया, 2P को भी क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करते ही जो है आपका इसमें ब्रैकेट से ये बंद किया, और हमने इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर हम इतना कर लिए पूरा, आप एक बार ध्यान से फॉर्मूला देख लीजिए, जैसे ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, कोई देखिए गलती तो नहीं है, डबल इन्वर्टेड कामा में सब बंद है, सबसे उतना ही मल्टीप्लाई है, देखिए 2 वाले से 2 का मल्टीप्लाई, डेढ़ वाले से डेढ़ से मल्टीप्लाई, इसमें आधा किया गया है तो इससे आधे का कर दिया गया है, बस फॉर्मूला लगा के पूरा रेंज सेलेक्ट करना है और इंटर कर देना है। तो जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 9 days आ गया। तो अगर रमेश की बात करें, वो 8 दिन तक किसी दिन आधा काम किया था, किसी दिन दुगुना काम किया था, किसी दिन डेढ़ गुना काम किया था, तो जिस दिन वो जितना अटेंडेंस उसकी आई है, कभी कभी लोग आधा दिन काम करके चले जाते हैं, अब दुगुना काम करके चले जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप बस यहाँ लिखते रहिए। अब ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी आप चेंज करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए याद ये जो है अगर 3 गुना कर रहा है तो फिर काउंट इफ करके जो है आपका फॉर्मूला लगा दीजिए, लेकिन 3 गुना कुछ होता नहीं है साइट में, ये बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फिर आज आया 9वें दिन आया, तो उसने कितना काम किया था, मान लीजिए ये आज जो है 2 गुना काम किया था 2P, तो देखिए 9 से 11 ऑटोमेटिक हो जाएंगे जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये देखिए यहाँ पे 11 हो गया। अब 11वें दिन कितना काम किया उसने, P/2 अगर वो कर रहा है काम, तो इसमें कितना हो गया, 11.5। ये ऑटोमेटिक अब ये जितना भी आप अटेंडेंस लगाते जाएंगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे रमेश की जगह में सुरेश लिख दीजिए, और सुरेश के बाद इसको यहाँ से ऐसे करके ड्रैग कर लीजिए, तो पूरी रो में फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, राम लिख दीजिए या श्याम लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। पहले दिन उसने 2 गुना काम किया, दो शिफ्ट में उसकी अटेंडेंस थी। दूसरे दिन उसने कितना काम किया, एक ही दिन पूरा एक शिफ्ट में काम किया, ये देखिए 2, 1, 3 ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से आप पूरा इसको थोड़ा HD में देखिएगा वीडियो, तभी समझ में आएगा। इस टाइप से आप पूरा काम करते चले जाएंगे, आपका पूरा आंसर आता जाएगा। अब मान लीजिए राम क्या था हमारा, ये हमारा था कि ये आपका लेबर था, LABOUR, ये हमारा लेबर था, ये मिस्त्री था, ये मिस्त्री था हमारा। तो इसका रेट क्या हो गया, लेबर का रेट कितना हो गया हमारा, लेबर का रेट मान लीजिए हमारा हो गया कि 300 रुपए के हिसाब से काम कर रहा था, और मिस्त्री हमारा कितने के हिसाब से काम कर रहा था, 600 के हिसाब से कर रहा था। ये 2 दिन काम किया मान लीजिए चला गया, ये इसमें पूरे अटेंडेंस 31 दिन की आप लगा लीजिए बाद में। अब अमाउंट हमें कैसे निकालना है, फिर हमने इक्वल टू का साइन लगाया,
इस वाले में क्लिक किया और इनटू किया, इसमें क्लिक किया, बस इन दोनों में क्लिक करते हुए हमने एंटर कर दिया, तो हमारा इसको कितना पैसा देना पड़ेगा रमेश को, 3450। इसको ड्रैग कर दिए तो इसका हमें जो है 1800 रुपए देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम साइट में लेबर को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक साइट इंजीनियर जैसे 50 लेबर हैं तो 50 लोगों को आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा मेरा वीडियो था, इसका मैनेजमेंट में आप इसको थोड़ा रोक के देखिएगा, बीच बीच में इसका जो फॉर्मूला लगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको एक्सेल शीट में बना के, तो आप पूरी तरीके से ये चीजें समझ जाएंगे। पूरा आपको अमाउंट कितना देना होता है, कितना महीने में आपके लेबर का खर्चा है, ऑल्ट प्लस करके टोटल कर लीजिएगा तो यहाँ पे पूरा उसका खर्चा निकल आएगा। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो, और इस प्रकार के अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए कि कैसे साइट ऑर्डर बुक वगैरह में काम करते हैं, एंट्रेंस रजिस्टर क्या होता है। और एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पूरा आज मैं पढ़ाया हूँ इसमें बताया हूँ, ये मस्टर रोल इसको बोलते हैं, आप इसको मस्टर रोल बोल सकते हैं या लेबर मैनेजमेंट ऑन साइट बोल सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन मस्टर रोल के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। और आगे चल के मैं इसी प्रकार के आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, बिल्कुल आप एक लाइक कर दीजिए या तो शेयर वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये सारी चीज़ें सर्च करके बनाने में, बताने में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये था मेरा आज का वीडियो, और एक ही चीज़ लास्ट में जाते जाते कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।